मच्छिंद्रनाथ और महाबली हनुमान के युद्ध के विषय में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार मच्छिंद्रनाथ रामेश्वरम में आते हैं। वहाँ राम जी का सेतु देख के वे प्रसन्न हो जाते हैं और राम जी की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगते हैं। तभी वहाँ मारुति, जो कि एक बूढ़े वानर के रूप में बैठे हुए होते हैं, उनकी नज़र मच्छिंद्रनाथ पे पड़ती है। मारुति जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ एक सिद्ध योगी हैं, फिर भी वे उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर हनुमान अपनी लीला आरंभ करते हैं और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर वानर रूपी हनुमान बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर प्रहार करते हैं और वहाँ गुफा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। यह सब मच्छिंद्रनाथ देखते हैं और उस वानर को कहते हैं कि हे वानर, तुम मूर्खपना कर रहे हो। जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। तुमने अपने घर का प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए था। यह सुनकर वानर मच्छिंद्रनाथ को पूछता है कि आप कौन हैं। इस पर मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। ये सुनकर वानर रूपी हनुमान सोचते हैं कि मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने का यह सही समय है और वे मच्छिंद्रनाथ से जानबूझकर कहते हैं कि भगवान मारुति से श्रेष्ठ और बलवान योद्धा इस सारे संसार में कोई नहीं, और कुछ समय हनुमान जी की सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। अगर आप में इतनी ही शक्ति है और अगर आप सिद्ध योगी हो तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाओ, नहीं तो खुद को सिद्ध योगी कहना छोड़ दो। मच्छिंद्रनाथ वानर की चुनौती स्वीकार करते हैं और युद्ध की शुरुआत हो जाती है। वानर रूपी हनुमान हवा में उड़ान करते हैं और नाथ को कुछ समझे इससे पहले ही उन पे एक के पीछे एक ऐसे 7 पर्वत उठा के फेंक देते हैं। पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ वात प्रेरक मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं और सारे पर्वतों को आसमान में ही स्थिर कर देते हैं और उन्हें अपने मूल स्थान पर भेज देते हैं। यह देखकर महाबली हनुमान क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां का सबसे बड़ा पर्वत हाथ में उठा लिया और उसे उठाकर नाथ के शरीर पर फेंकने के लिए वे आसमान में ऊपर उड़ गए। यह देखते ही मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदें हाथ में ली और उस पर वाताकर्षण मंत्र का प्रयोग किया और उस पानी की बूंदों को हनुमान की तरफ फेंक दिया। बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान आसमान में ही स्थिर हो गया और उनका शरीर हलचल करने में असमर्थ हो गया। मंत्र के कारण कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्ति क्षीण हो गई। इस वजह से उनसे पर्वत का भार उठाना भी असंभव हो गया और वो तड़पने लगे। ये देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर गए और जमीन पे आकर मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। वायुदेव के प्रार्थना पर मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान को मुक्त कर दिया। तभी हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में आ गए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप स्वयं नारायण के अवतार हैं यह मैं जानता था, फिर भी आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की चेष्टा कर बैठा है, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ हनुमान जी को माफ कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट में बताइए, और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।